हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार कश्यप यूट्यूब के माध्यम से आज हम लोग जिस औषधीय वनस्पति की पहचान कर रहे हैं उसका नाम है इसरजटा। और बहुत सारे नामों से इसको जाना जाता है, जैसे कि इसरजटा, पिथरान, चाकुलिया, हरेफुट, और इंग्लिश में इसे उररिया प्लांट के नाम से जाना जाता है। और इस वनस्पति का जो बॉटनिकल नेम है वो है उररिया लेगोपोडोडिस। इसकी ऊंचाई तकरीबन 1 से 3 फीट होती है मित्रों, है ना। और ये तकरीबन पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाने वाला वनस्पति है। इस वनस्पति का औषधि प्रयोग करने के लिए जिन अंगों का प्रयोग किया जाता है वह हैं जैसे कि कोपल पत्तियाँ, पुष्प और जड़ का प्रयोग कर लिया जाता है। अगर आप जड़ का प्रयोग कर रहे हैं तो कम से कम मिट्टी वाले भाग से एकाध मुट्ठी कम से कम नीचे 2-4 इंच नीचे कम से कम उसके जड़ का प्रयोग करें ताकि वो शुद्ध रहे, ठीक है मित्रों। और इस औषधीय वनस्पति का जो उपयोग करते हैं ज़्यादातर वैद्य लोग मेरे शोध के अनुसार, कि जैसे कि जो जो रोग हैं जैसे कि घाव भरने में, घाव और जख्म मवाद भरे जख्मों में यह बहुत लगाने से, मतलब इसका जो और भी औषधि का समीकरण कॉम्पोजिशन करते हैं तो उस अवस्था में घाव मवाद भरे जख्मों में को या दूर करने में एकदम रामबाण औषधि का काम करता है मित्रों, ठीक है। और चोट मोच सूजन के जैसे जो दर्द होते हैं और उन दर्द और रोगों में या दूर करने में रामबाण औषधि का काम करता है। वीर्य दोष संबंधित रोग में भी इसका औषधि प्रयोग किया जाता है मित्रों। और लकवा पैरालिसिस संबंधित जो रोग होती हैं, जैसे किसी शरीर के अंग घात अगर हो जाए जिन अंगों का, चाहे चेहरे का हो, हाथ का हो, पैर का हो, तो वैद्य जो हमारे जो प्राचीन वैद्य हैं ग्रामीण वैद्य वो अक्सर बताते हैं कि इसका प्रयोग हम लोग लकवा में भी कर लेते हैं, ठीक है मित्रों। तो इसका उपयोग लकवा में भी होता है पैरालिसिस जैसे रोगों में, और नपुंसकता जैसे रोगों में भी इसका औषधि प्रयोग किया जाता है। कहीं कहीं उदाहरण है कि इसका आध्यात्मिक प्रयोग करते हैं, खास तौर पे विशेष तौर पे पूजन अध्ययन या आध्यात्मिक प्रयोग में, क्योंकि इसकी ज्ञान जो है विलुप्त है परंतु इसको लोग रखे रहते हैं। बहुत बार बहुत जगह पर मैं देखा हूँ। तो मेरे चैनल के माध्यम से आज के विषय में था हरेफुट, चाकुलिया, पिथरान, इसरजटा, उररिया प्लांट, उररिया लेगोपोडोडिस। तो मेरे चैनल के माध्यम से दिया हुआ जानकारी अगर आपको पसंद आवे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।